हाय, मैं हूँ फ्रेडी दारवाला और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। मैंने अपनी अभिनय की शुरुआत की थी थिएटर से। ज़्यादातर वो कॉमेडी प्ले होते थे और मुझे कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा रोमांटिक होना, थोड़ा फनी होना, डांस करना, ये सारी चीज़ें। तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। जेठालाल मेरे फेवरेट है जेठालाल मेरे बिल्कुल फेवरेट है। मैं इतने फेवरेट है कि मैं तारक मेहता तो छोड़िए, मैं एक्चुअली वो इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी रील्स नहीं आती तारक मेहता की, वो भी देखता रहता हूँ। हेलो एंड हाय, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। आज जब इंटरव्यू की शुरुआत हुई तो मैंने मॉम को फ़ोन किया और बात किया कि आज मैं फिर से फ्रेडी सर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो मॉम ने कहा, कौन से फ्रेडी सर? वो जो मैं पहले CID देखती थी वाला फ्रेडी, कि अभी जो कंटिन्यू बैक टू बैक हिट फिल्म्स कर रहा है वाला फ्रेडी? मैंने कहा वही फ्रेडी की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आप बोल रहे हो, जिसने बैक टू बैक अभी हिट फिल्म्स दे रहे हैं और आज वो यहाँ पर सामने हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, मतलब बैक टू बैक आपकी फिल्म सारी, आप एक नए नए किरदार में हमें दिख रहे हैं और जो स्पेशली जो यूथ अभी जो एक्टिंग करियर में आना चाहता है वो आप जैसे कैरेक्टर को देख के और भी इंस्पायर होते हैं कि हाँ, हम अपने आप को अलग अलग किरदार में ढाल सकते हैं। तो इस बार इंस्पेक्टर अविनाश में आपका किस तरह कैरेक्टर, आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? जी, इंस्पेक्टर अविनाश जो अभी जियो सिनेमा पर लाइव स्ट्रीम हो रही है उसमें मैं वीर भूषण का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और वीर भूषण, इंस्पेक्टर अविनाश बेसिकली सिर्फ अविनाश मिश्रा की कहानी नहीं है लेकिन उसके पूरे STF की, पूरे UP की कहानी है, जो 90 के शतक में या अर्ली 2000 के शतक में, डेकेड में आई है। तो द आइडिया इज़ के जब STF फॉर्म होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है, उसके पॉलिटिकल फ्रंट पर उसका क्या असर पड़ता है और उस हिसाब से UP की पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है, ये भी एक कहानी है इंस्पेक्टर अविनाश की। और मैं प्ले कर रहा हूँ वीर भूषण, जो होम मिनिस्टर है, जो STF फॉर्म करते हैं UP में चल रहे गुंडागर्दी को नेस्त नाबूद करने के लिए। और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और डेफिनेटली इसलिए कि वीर भूषण जो है वो कहीं ना कहीं मेरे जैसा ही है, यू नो। फिजिकली तो आप देख रहे हो मैं वैसा ही दिख रहा हूँ जैसा यहाँ पर है, लेकिन मेंटली जो है वो वीर भूषण एक्चुअली लंदन में पड़ा हुआ है, उनके पिताजी का अवसान हो जाता है और वो बड़े सुपुत्र है तो उनको उनके पास गादी आती है ये बोलकर कि अभी आपको UP के राजनीति की कमान संभालनी है। तो वैसे मेरी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है और फिर वहाँ से वीर भूषण कैसे UP के पॉलिटिक्स को आगे ले जाता है, वो कहानी वीर भूषण की है। क्या बात, मतलब वीर भूषण का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन सर हमें बताइए कि एज एन, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर का, तो आपने अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करने के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा फॉलो किया बॉडी लैंग्वेज के लिए या चीज़ें समझने के लिए? होम मिनिस्टर है बेसिकली और एक राजनीति के नेता की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डेफिनेटली यू नो सीखनी पड़ी। जैसे हमें ज्योतिराव सिंधिया है या यू नो फिलहाल जो हमारे परिणीति जी के हस्बैंड हैं, कुछ ऐसी ही छवि हमें क्रिएट करनी थी स्क्रीन पर तो उसके रेफरेंस लिए। उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज में डेफिनेटली पर्सनली अपना भी कुछ टेस्ट डालना पड़ता है, अपने भी कुछ मसाले डालने पड़ते हैं, तो वो भी मैंने किया है। और आप देखो तो अगर आप नेताजी के साथ बात करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, वो किस लहजे में बात करते हैं और वो कितना सोचकर बोलते हैं, वो सब सारी चीज़ें एक पॉलिटिशियन के तौर पे आती है। उसके अलावा इनकी खुद की बैक स्टोरी है तो वो सारी चीज़ों का मिश्रण करके एक वीर भूषण बनता है जो आपने स्क्रीन पर देखा होगा। क्या बात है, जैसे आपने कैरेक्टर का नाम का वीर भूषण और जो उसका कैरेक्टर है वो पूरा वीर रस में ही है, इस तरीके से है वो वीर भूषण, एक वीर रस में ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो सर मुझे बताइए, जब आप ऐसे पॉलिटिकल चीज़ों पे जब काम करते हो हमारे पर एक बहुत प्रेशर होता है, हमको एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को कैरेक्टर को बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना, कैरेक्टर कहीं छूटना नहीं चाहिए, तो किस तरीके की सर आपने अपने मतलब लाइफ में एक्टिंग के लिए चीज़ें सीखी है कि अपने कैरेक्टर को स्टेबल रखना, अपने कैरेक्टर पर काम करने के लिए आपने किस तरीके से काम किया एज एन एक्टिंग? देखिए, एक एक्टर जो होता है ना वो सिर्फ जब हम किरदार करते हैं तो वो सिर्फ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है वो ही नहीं करते, सिर्फ वहाँ पर जाकर लाइन नहीं बोलनी पड़ती लेकिन उसके पीछे की कहानी हम बनाते हैं। अगर लिखी हुई होती है तो बेस्ट होती है और अगर लिखी नहीं हुई तो हम एज एन एक्टर, ये मेरा प्रोसेस है कि हम खुद उसकी एक बैक स्टोरी बनाते हैं कि जिसके वजह से
वो उसको हेल्प करता है। जैसे आप मुझे अभी सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, तो मेरी पूरी ज़िंदगी उसके पीछे वो जुड़ी हुई है, जिसके वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और जिसकी वजह से आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं जो आपको पूछने हैं यहाँ पर। तो उसी तरह जब हम आते हैं तो लाइन वही, वो जो लाइन तो दी गई हुई होती है हमें डायरेक्टर के द्वारा, लेखक के द्वारा, लेकिन उसे किस प्रकार बोलना है, वो क्यों और वो क्यों बोलेगा ऐसी चीज़ें, वो ज़रूरी हो रहता है। और कपड़े क्यों ऐसे पहनता है, कपड़े ऐसे पहनता है तो खाना कैसे खाएगा, वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। और मैंने अभिनय की तालीम बरसों से ली हुई है और हर साल मैं एक्टिंग वर्कशॉप करता रहता हूँ। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं एक्टिंग वर्कशॉप करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर को जिम की ज़रूरत है, वैसे मेरे एक अंदर के अभिनेता को एक्टिंग की ज़रूरत होती है। तो फिर वो सीन करना हो या फिर एक कैरेक्टर डेवलप करना हो तो वो हम करते रहते हैं। तो उसका एक हिस्सा होता है कि जब प्रोजेक्ट आता है तो हमें आसानी होती है कि उस किरदार में हम अपने आप को कैसे ढाल दें। क्या बात है। जैसे सर हम बात करते हैं एक्टिंग वर्कशॉप की, तो सर स्क्रीन पे आपके साथ रणदीप हुड्डा सर, और इन्होंने मतलब अपनी एक्टिंग से इतना जान डाल दिया बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि आप जानते हैं उनके कितने बेहतरीन कैरेक्टर हमने देखे आज तक। तो आपको कैसा लगा सर उनके साथ काम करने? मैं तो रणदीप का फ़ैन हूँ यार। मुझे लगता है कि हमारी एज में वो एक बहुत ही अच्छे अभिनेता है, और मैंने उनका ग्राफ स्टडी किया है। उन्होंने नसीर साहब के साथ मोटली क्रू में काफ़ी कुछ काम किया है, प्लेज किए हैं, जहाँ पर उनके एक अभिनय का एक अलग ही पहलू हमें उसके बाद देखने को मिला है। उन्होंने जो कैरेक्टर सरबजीत है ले लो, या हाईवे में ले लो, या फिर इवन सलमान सर के साथ आप किक ले लो, या फिर राधे ले लो, अभी फ़िलहाल जो अलग अलग जो कैरेक्टर्स करते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें देखने के लिए, इस वजह से क्योंकि वो खुद भी बहुत मेहनत करते हैं एक अभिनेता के तौर पर। तो जब हम साथ में काम कर रहे थे तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यही पूछा कि आपने वो कैसे किया, आपने ये कैसे किया, वो सीन में वो किया था तो वो व्हाट वाज द प्रोसेस फॉर यू, ताकि उनसे मुझे कुछ सीखने मिले और मैं भी कुछ ऐसा कुछ कर पाऊँ। क्या जैसे सर हमने आपको हमेशा स्क्रीन पर एज एन सीरियस कैरेक्टर ही देखा है, कभी मतलब हमने एज एन ऐसा एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ नहीं देखा, तो क्या सर कभी आप ऐसा कोई कैरेक्टर जो करना चाहते हो अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के? हाँ, मैंने अपनी अभिनय की शुरुआत की थी थिएटर से, मैंने काफ़ी थिएटर्स और प्लेज किए हैं, तो मैं तो गुजरात से हूँ तो ज़्यादातर वो कॉमेडी प्ले होते थे, और मुझे कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता है। मैं मानता हूँ कि मैं लाइफ में भी एक फ़नी इंसान हूँ, तो आई वुड लव टू डू एक्सप्लोर कॉमेडी, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है। पर लेकिन इन दिनों में काफ़ी अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे मैं कल एक वीडियो एल्बम शूट कर रहा था, म्यूज़िक वीडियो एल्बम, जहाँ पर मैं डांस कर रहा हूँ और फुल ऑन हीरो के तौर पे वो सारी चीज़ें कर रहा था जो मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा रोमांटिक होना, थोड़ा फनी होना, डांस करना, ये सारी चीज़ें। तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। मतलब फ्रेडी सर ने अपनी स्क्रीन पर एक ऐसी इमेज बना दी कि अगर फ्रेडी सर बोलेंगे भी कि मुझे कॉमेडी पसंद, बोलेंगे नहीं यार ये झूठ बोल रहा है, ये सीरियसली अच्छा लगता है, क्योंकि अभी बैक टू बैक पिक्चर ही ऐसी आ रही है सर आपकी। तो जैसे आपने कहा गुजराती हैं आप, तो आपने तारक मेहता उल्टा चश्मा देखे होंगे, जेठालाल है ना, तो क्या सर आपको लगता है कि जेठालाल की कॉमेडी टाइमिंग आपको कैसी लगती है, क्या बताना चाहेंगे? जेठालाल मेरे फेवरेट है, जेठालाल मेरे बिल्कुल फेवरेट है, मैं इतने फेवरेट है कि मैं तारक मेहता तो छोड़िए, मैं एक्चुअली वो इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी रील्स नहीं आती तारक मेहता की, वो भी देखता रहता हूँ। तो उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही शानदार है, और वो उन्होंने कैरेक्टर को ऐसा बना दिया कि अभी आप अभी सोच भी नहीं सकते कि उनके अलावा कोई और जेठालाल कर पाएगा। या तो जैसे भी हम जेठालाल की बातें करें, जैसे जेठालाल और तारक मेहता एक बहुत अच्छे दोस्त है सर, फ्रेडी आपके भी लाइफ में कोई ऐसे आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे जैसे तारक मेहता, से आपकी लाइफ में कौन है तारक मेहता? मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और जिनमें से एक है मनीष मल्होत्रा जी, जो मेरे काफ़ी करीबी दोस्त रहे काफ़ी सालों से, बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज अ मॉडल, तो तब से उनसे दोस्ती बन गई। उनके अलावा तौरानी साहब ले लीजिए, रमेश तौरानी जी टिप्स के, प्लस विपुल शाह ले लीजिए, जो जिनके साथ मैंने फिल्में की है, तो ये सारे दोस्त ऐसे मेरी लाइफ में तारक मेहता है जो मुझे सही वक्त पर सही मायने में गाइडेंस देते रहते हैं, या फिर मैं अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो वो भी कहते हैं, और जो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो वो भी कहते हैं कि ये तू अच्छा नहीं कर रहा, इसके बदले ये कर सकता है। लास्टली मैं चाहूँगा सर कि आप हमारे ऑडियंस जो बॉलीवुड हेल्पलाइन आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
फिलहाल तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी दो वेब सीरीज जियो सिनेमा पर लाइव है, क्रैकडाउन 2 और अभी इंस्पेक्टर अविनाश, और दोनों वेब सीरीज बिल्कुल शानदार तरीके से बनाई गई हुई है और उसमें उन दोनों में मेरा किरदार बहुत ही अलग अलग है। तो प्लीज़ देखिए, हम बहुत मेहनत करते हैं और जितना आप देखेंगे, जितना आप सपोर्ट करेंगे, उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा, तो उसके लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फ्रेडी सर, जिन्होंने मतलब हमें आज बहुत सारी चीज़ें बता दी एक्टिंग की, कैरेक्टर के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में। सो इसी तरीके के मज़ेदार किस्से और अच्छे अच्छे इंटरव्यू देखने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच।